हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे फ्रेंड भी होते हैं और हमारे दुश्मन भी होते हैं। ठीक है, फ्रेंड मीन्स की मित्र और फो मीन्स की दुश्मन। ठीक है, मित्र और शत्रु। तो इस वीडियो में हम लोग जो है इस चैप्टर को दो पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो इसलिए हम लोग इसको दो पार्ट में करेंगे। और यहाँ पे जो है कि मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और जो सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन आएगा उसको भी ज़रूर से प्रेस करिए जिस पर ऑल लिखा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी विथ आईज एलोन। ठीक है, आपने अपने चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखे हैं, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ और भी होते हैं जिनको कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इन्हीं को हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन मॉइस्ट वेट गेट स्पॉइल एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद द ग्रे व्हाइट पैचेज। तो रेनी सीजन में आपने देखा होगा कि जो ब्रेड वगैरह हम रखते हैं, जो फ्रिज से बाहर रख देते हैं, तो वो जल्दी ही ख़राब हो जाती है, उस पर वाइट और ब्लैक और जो है ग्रीनिश पैचेस लग जाते हैं, और जो है कुछ अगर लेदर की चमड़े की वस्तुएं हैं तो उस पर भी कुछ वाइट पैचेस लग जाते हैं। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर हम इन पैचेस को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, यू विल सी टैनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर, तो हमें इस पर ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर देखेंगे। डू यू नो दैट दिस स्ट्रक्चर एंड वेयर डिड दिस कम फ्रॉम। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कहाँ से आते हैं? तो ये स्ट्रक्चर जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रो करते हैं, जो कि जिनको कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। यहाँ पे हम कुछ एक्टिविटी करेंगे इनको समझने के लिए। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर एंड एड वाटर टू इट। आफ्टर सॉइल पार्टिकल हैव सेटल, ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप, व्हाट डू यू सी। तो इस तरह से करने पे जब हम आप सॉइल को देखेंगे तो उसमें जरूर से आपको कुछ जो है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख जाएंगे। दूसरी एक्टिविटी ये है कि टेक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, स्प्रेड ऑन द ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप। तो ये प्रैक्टिकल भी जो है 9th-10th में कराया जाता है, अगर आप लोगों के क्लास 8 में कराया जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको दिख जाएंगे। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, तो हाँ ये दिख जाते हैं। दिस ऑब्जर्व so that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. Means कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म जिनको हम कि नेकेड आई से खुली आंखों से देख सकते हैं तो उनको हम माइक्रोब्स में नहीं रखते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज। ठीक है, हम उन ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं जो कि अनएडेड आई से नहीं, विदाउट अनएडेड आई हम नहीं देख सकते। सम ऑफ दिस सच एज द फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विथ ए मैग्नीफाइंग ग्लास, दिस अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इन टू 4 मेजर ग्रुप, दिस ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक है, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको हम लोगों ने 4 ग्रुप में बांटा है। ये ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन द वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक, वायरस जो होते हैं ये भी जो है माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो वायरस होते हैं ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कहते, क्योंकि यह जो है सेल के बाहर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, यह जो है किसी सेल में एंटर करते हैं उसके बाद ही यह जो है रिप्रोड्यूस करते हैं।
However, reproduce only inside the cell of the host organism, which may be a bacterium, plant, animal. ठीक है, means कि यह जो virus होते हैं bacterial cell के अंदर या plant cell के अंदर या animal cell के अंदर जब घुसते हैं तभी जाके ये reproduce कर पाते हैं. Some of the viruses are shown in the figure. में आपको कुछ viruses को दिखाया गया है. Common animal like cold influenza, common animal ailment, sorry. कुछ जो बीमारियां होती हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, जैसे कि कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ आर कास्ड बाय द वायरसेस. ठीक है, तो ये सब जो है वायरस से होते हैं. सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कास्ड बाय वायरस. ठीक है, तो कुछ सीरियस डिजीजेज, कुछ कॉमन डिजीजेज, कॉमन डिजीज में आ जाता है कोल्ड और इन्फ्लुएंजा और कफ, और कुछ जो सीरियस डिजीजेज हैं वो है चिकन पॉक्स एंड पोलियो. ये जो है वायरस से सीरियस डिजीजेज होती हैं, तो ये सब वायरस से होती हैं. डिजीजेज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कास्ट बाय द प्रोटोजोअन, वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर कास्ट बाय द बैक्टीरिया आर बैक्टीरियल डिजीजेज. ठीक है, तो यहाँ पे हमें याद रखना होगा कि कॉमन जो है, कॉमन वायरल डिजीजेज क्या है, कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है और कफ है. ठीक है, और कुछ जो सीरियस डिजीजेज हैं उनमें पोलियो और चिकन पॉक्स है. ठीक है, और जो डायसेंट्री होती है और मलेरिया होता है ये प्रोटोजोअन के द्वारा होता है, और टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है. यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 4th, 6th and 7th. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपको कुछ बैक्टीरिया के शेप दिखाए गए हैं. स्पाइरल बैक्टीरिया, ये स्पाइरल शेप होता है, और रॉड शेप जो रॉड के शेप के होते हैं. ठीक है, इनके शेप के आधार पे इनका नाम रख दिया गया है. यहाँ पे कुछ एल्गा दिखाए गए हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं. क्लेमाइडोमोनास है, ये स्पाइरोकाइरा है. आगे के क्लासेस में चल के इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. ये जो है प्रोटोजोअन है, अमीबा है और पैरामीशियम है. यहाँ पे कुछ फंगाई है, ब्रेड मोल्ड है, पेनिसिलियम है और इस पर लस है. ठीक है, यहाँ पे जब हम देखते हैं वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ. ठीक है, और मल्टी सेलुलर सच एज एल्गी एंड फंगाई, दे कैन बी. यहाँ पे हम देखेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रहते हैं. मे बी ये सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं लाइक बैक्टीरिया की तरह, सम एल्गी एंड प्रोटोजोअन की तरह, और मल्टी सेलुलर सच एज द एल्गी एंड फंगाई. दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ द एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्सी लैंड्स. दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर एनिमल वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली. माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव एलोन वाइल फंजाई एंड बैक्टीरिया में लिव इन द कॉलोनी. ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा कि ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं. तो जो कुछ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, प्रोटोजोअन हो गया, और कुछ मल्टी सेलुलर हैं जैसे कि एल्गी और फंगाई, तो ये जो है किसी भी तरह के एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, हवा में, मीन्स कि चाहे वो ठंडी हवा हो, ठंडा क्लाइमेट हो, या फिर हॉट क्लाइमेट हो, स्प्रिंग हो, या डेजर्ट हो, या मार्सी लैंड हो, वो कहीं भी पाए जाते हैं. जैसे कि पेड़ों पे, एनिमल्स पे, या फिर हवा में कुछ होते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट पे चिपके रहते हैं. दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी. और ये जो है कभी कभी एनिमल, कभी कभी क्या, ज़्यादातर टाइम बहुत सारे एनिमल के अंदर भी पाए जाते हैं और ह्यूमन बींग के अंदर भी पाए जाते हैं. तो ये बैक्टीरिया जो सिंगल सेल्ड, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया और एल्गी और प्रोटोजोअन है, मल्टी सेलुलर में एल्गी और फंगाई है, ये जो है हर तरह के टेम्परेचर पे पाए जाते हैं, चाहे वो आइस कोल्ड हो, चाहे हॉट स्प्रिंग हो, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे मार्शी लैंड हो. ठीक है, हर जगह ये पाए जाते हैं, और ये एनिमल्स और ह्यूमन बींग के अंदर भी पाए जाते हैं, और कुछ तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं फ्रीली. माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव एलोन. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि अमीबा है वो अकेले रह सकता है, वाइल फंगाई एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनी, जबकि फंगाई और बैक्टीरिया जो है कॉलोनी में रहते हैं.
माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज, वेयर सम ऑफ अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेस। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड एंड फो, मीन्स कि शत्रु और मित्र दोनों होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं वो हमारे शत्रु होते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत सारे चीज़ों में मदद करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन में, जैसे प्रोटीन के प्रोडक्शन में, एंटीसेप्टिक, कुछ मेडिसिन के प्रोडक्शन में, बहुत सारी जगहों पे, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो वो हमारे जो मित्र हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे मित्र हैं, मीन्स कि वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी मदद करते हैं। ये जो है वायरस का सिप है, ये आपको याद रखना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पस, दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और ईस्ट है ना, ये जो है कि कर्ड बनने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये जो काम जो है कि हेल्प करता है। ब्रेड और केक में ईस्ट का यूज किया जाता है, जो कि एक फंगस होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस, मीन्स कि बहुत बहुत समय पहले से एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीन अप ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के क्लीन अप में, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिज्म इज वेजिटेबल पेल रिमेन ऑफ द, तो जितने भी वातावरण में चीजें जो डिकम्पोज होती हैं उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं जो कि हेल्प करते हैं। आर ब्रोकन डाउन इन टू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेज बाई बैक्टीरिया। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन इन एग्रीकल्चर, दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन। ठीक है, और यह जो है एग्रीकल्चर में किस तरह से हमारी मदद करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हम देखेंगे मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड में, तो यह जो है कि आपने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है कि मिल्क जो है मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे क्वेश्चन है, आई सॉ दैट माई मदर एडेड ए लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर व्हाई। क्योंकि मिल्क से जो कर्ड बनती है, कर्ड में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि लैक्टिक एसिड बनाता है, तो जो है कि हम जब गर्म मिल्क में, हॉट मिल्क में जब हम थोड़ी सी कर्ड डालते हैं तो वो सारे मिल्क को जो है कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इट मल्टीप्लाइज इन द मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम। An important ingredient of rava, suji, idli and the bhatura is curd. Can you guess why? क्योंकि वो उसमें जो है बैक्टीरिया होता है जो कि एसिड, लैक्टिक एसिड बनाता है, और जो कि उसके प्रिपरेशन में, उस फूड के प्रिपरेशन में हेल्प करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक एक्टिविटी है, टेक हाफ किलोग्राम ऑफ फ्लोर आटा और मैदा, एड सम शुगर एंड मिक्स विथ, ठीक है, वार्म वाटर। ठीक है, एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक ए सॉफ्ट डो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours, डिड यू फाइंड दो राइजिंग। तो जब हम इसमें ईस्ट, मैदे में ईस्ट डाल के और चीनी और जो है कि गर्म पानी से जब हम इसको मिक्स करते हैं और मिक्स नीड करके गूथ के और रख देते हैं, तो थोड़ी देर बाद यह जो है हमें फूला हुआ दिखता है, तो यह कैसे होता है। तो ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, बबल ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक। ठीक है, तो इसलिए यह जो है रैपिडली रिप्रोड्यूस होता है ईस्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है
प्रोड्यूस करता है जो कि बबल बनाते हैं उस सब्सटेंस में और जो कि उसको जो है सॉफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, कमर्शियल यूज मीन्स कि बिजनेस पर्पस से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज करते हैं, तो कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम जो है लार्ज स्केल पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, एल्कोहल, वाइन एंड एस्टिक एसिड विनेगर। ईस्ट इज यूज फॉर, ईस्ट को किस लिए यूज करते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। ठीक है, तो जो एल्कोहल और वाइन बनता है उसमें ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट क्या है, एक फंगस है। तो यह जो ईस्ट है कहां कहां पे जो है खुद ही नेचुरल शुगर पे ईस्ट को खुद ही ग्रो किया जाता है। नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस एंड क्रस्ट फ्रूट जूस में। ठीक है, टेक 500 ml बैक बीकर, फिल अप टू द 3/4 ऑफ वाटर, डिजॉल्व 2-3 टेबल स्पून ऑफ शुगर इन इट, एड हाफ ए टेबल स्पून ऑफ द ईस्ट पाउडर टू द शुगर सोल्यूशन, कीप इट कवर्ड इन ए वार्म प्लेस फॉर 4-5 hours, नाउ स्मेल द सोल्यूशन, कुड यू गेट ए स्मेल, दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इन टू द एल्कोहल बाई द ईस्ट, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इन टू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को 1857 में। और मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या है, व्हेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक्स टैबलेट। तो जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक के टैबलेट देता है या फिर इंजेक्शन देता है पेनिसिलिन के। द सोर्स ऑफ दिस, ये जो मेडिसिन जो प्रोड्यूस होती है ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग। तो यह जो है मेडिसिन जो है क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर है उसको मार देती है। तो इस मेडिसिन को एंटीबायोटिक कहते हैं। इसीलिए दिस डे ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई। ठीक है, तो बहुत सारे एंटीबायोटिक आज के टाइम पे प्रोड्यूस की जा रही है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, टेट्रासाइक्लिन हो गई, एरिथ्रोमाइसिन हो गई। तो ये कुछ इसमें से कुछ एग्जाम्पल है, बहुत सारी प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहला एंटीबायोटिक जो है कब बना था और किसने बनाया था। तो 1929 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन द कल्चर ऑफ द डिजीज काजिंग बैक्टीरिया, सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ द लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. ठीक है, तो यहाँ से जो है mold penicillin को prepare किया गया, जो कि accidentally खोजा गया था। कमली, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं जो कि मेड फ्रॉम द फंगाई। एंटीबायोटिक हम किसको किसको कहते हैं, एंटीबायोटिक वो मेडिसिन जो कि फंगाई और बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। दे एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चर्ड बाय द ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज टू कर्व ए वैरायटी ऑफ डिजीजेस क्योर। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किए जाते हैं और इनसे एंटीबायोटिक बनाई जाती है और बहुत सारे डिजीजों का क्योर किया जाता है, मीन्स की ट्रीटमेंट किया जाता है और उनको ठीक किया जाता है। और इन एंटीबायोटिक को जो है लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री में भी यूज किया जाता है कि
जो है उनको कोई इन्फेक्शन ना हो. दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीजेस. ठीक है, और प्लांट में भी जो डिजीजेस होती हैं वहाँ भी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स का हम यूज करते हैं. अब यहाँ पे हम देखेंगे, इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर दैट द एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द वे एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर. मीन्स कि एंटीबायोटिक जो होते हैं बहुत ही हार्ड मेडिसिन होती है, इसलिए विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हमें ये दवाएं नहीं लेनी चाहिए. इफ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन इन नीडेड रॉन्ग डोज, मीन्स कि जब एंटीबायोटिक आप जो है गलत अमाउंट में लेंगे तो यह जो है आपको नुकसान पहुंचा सकती है. ठीक है, आल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी. यह जो है बैक्टीरिया जो कि बेनिफिशियल हैं बॉडी के लिए उनको भी मार देता है. एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर आल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट द कोल्ड एंड फ्लू. ठीक है, तो जब हमें कफ जो होता है और फ्लू जो कि वायरस की वजह से होता है उसको भी ठीक करने में ये जो एंटीबायोटिक्स है, ये जो मेडिसिन है वो हेल्प करती है. वाई आर चिल्ड्रेन इन्फेंट की वैक्सीनेशन. चिल्ड्रेंस को और इन्फेंट्स को वैक्सीनेशन क्यों दिया जाता है और वैक्सीन क्या होती है? व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब इंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर. द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इंटर्स अगेन. तो वैक्सीन क्या होते हैं यहाँ पे हम ये समझेंगे, और हम ये भी समझेंगे कि चिल्ड्रेंस को और इन्फेंट को जो है एंटीबायोटिक्स मीन्स की एंटीबायोटिक्स या फिर वैक्सीन क्यों दी जाती है. क्योंकि इसको हम इस तरह से समझेंगे कि जब कोई भी बच्चा बीमार होता है और उसके अंदर जब कोई माइक्रोब इंटर करता है, जैसे कि उसको कोल्ड हुआ, किसी बच्चे को कोल्ड हुआ, इसका मतलब उसके अंदर वायरस और या फिर बैक्टीरियल डिजीज कोई होती है, तो उसके अंदर बैक्टीरिया ने इंटर किया है. तो जब बैक्टीरिया इंटर करता है तो उसके प्रति जो है एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनती हैं और उस बैक्टीरिया को मारती हैं. ठीक है, तो इस तरह से और हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज एक बार बन जाती है तो नेक्स्ट टाइम अगर वो बैक्टीरिया इंटर करता है तो मान लीजिए टाइफाइड हमारा 10 दिन में पहली बार में ठीक हुआ तो दूसरी बार में 3 या 4 डेज में वो ठीक हो जाता है, क्योंकि उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज पहले से हमारी बॉडी में मौजूद होती है. The body also remember how to fight the microbe if it enters again. ठीक है, so if dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम dead microbes को जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या प्रोटोजोअन जो कि डिजीज काज करते हैं, अगर हम इनके डेड माइक्रोब्स को या फिर जो कि बहुत ही कमज़ोर है जो कि डिजीज नहीं काज कर सकते हैं उनको अगर हम चिल्ड्रेंस या इन्फेंट की बॉडी में इंटर कर देते हैं तो उसके उसके बदले में जो है हमारी बॉडी में मीन्स कि बच्चों के बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और फिर जब वो नेक्स्ट टाइम वो डिजीज होती है तो एंटीबॉडीज में तो हमारी बॉडी में पहले से एंटीबॉडी मौजूद होती है और जो कि उस डिजीज से लड़ने में सक्षम होती है. दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क. तो इस तरह से जो है कि ये वैक्सीन वर्क करती है. ठीक है, सिन वर्क. सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन. तो बहुत सारे वैक्सीनेशन हैं आज के टाइम पे. एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798. इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवेन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट द सेवरल डिजीजेज. कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेज यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स. इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीजेज. नेसेसरी वैक्सीनेशन आर अवेलेबल इन नियर बाई हॉस्पिटल. यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन द on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio Program. Polio drop given to children are actually a vaccine. A worldwide campaign against the smallpox has finally led to its eradication from the most part of the world. These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect human other animals from several diseases. ठीक है,
तो आज के टाइम पे जो है कि बहुत सारी जो है कैंपेन चल रही है, और जो है कि कैंपेन में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे सेंटर बनाए जाते हैं हर कंट्री में, और वहाँ पे जो है कि ये वैक्सीनेशन दी जाती है उसको जो है इरेडिकेट करने के लिए। तो बहुत सारे वैक्सीनेशन जो है ग्रुप लेवल पे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम जो है अभी क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज आवर फ्रेंड। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पे हमारे दोस्त का रोल निभाते हैं, तो यहाँ पे एक चीज और टॉपिक है, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विद द नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो बैक्टीरिया जो होते हैं जो कि ब्लू ग्रीन कुछ बैक्टीरिया होते हैं और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो कि एबल होते हैं, मीन्स कि उनके अंदर क्षमता होती है कि वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं विथ नाइट, और जो है कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सर ब्लू ग्रीन एल्गी की फोटो यहाँ पे दिखाई गई है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। बुझो और पहली है, ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर एलॉन्ग विथ दियर फ्रेंड, दे कलेक्ट वेस्ट ऑफ द प्लांट वेजिटेबल फ्रूट फ्रॉम द नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन, दे पुट देम इन ए पिट मीन फॉर वेस्ट डिस्पोजल, आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड इन टू द मैन्योर। बुझो एंड पहली वॉन्ट टू नो हाउ दिस कुड हैपन। ठीक है, तो यह बहुत ही ईजी है। जैसे कि जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं हमारे किचन से निकलती हैं जो कि प्लांट्स की और एनिमल्स की वेस्ट होती हैं, जब हम उसको किसी पिट में डाल देते हैं तो वो फिर से डिकम्पोज होकर मैन्योर बना देती हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, उसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे समझा देते हैं कि ये चीज़ जो है कि डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द टू पॉट, ये एक्टिविटी जो आप करेंगे उसके बारे में है। और इसके बाद है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंड्स, इस पहले वीडियो में हम लोग जो है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज आवर फ्रेंड के बारे में किया, और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज आवर फो, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताएं, और जो है कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। धन्यवाद।